इंदौर की पहचान लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम से होती है, उस्ताद आमिर खान साहब के नाम से होती है, कर्नल सी के नायडू के नाम से होती है, कैप्टन मुश्ताक अली के नाम से होती है। बहुत सारे नाम हैं जिनसे इंदौर की साख का परचम पूरी दुनिया में फहराया जाता है। लेकिन एक पहचान और हो गई है, पिछले 4 साल से हिंदुस्तान की क्लीनेस्ट सिटी में इंदौर का नाम शामिल हो गया है और पंच मारने को यानी 5वीं बार हिंदुस्तान की सबसे साफ सुथरी सिटी के रूप में भी इंदौर शामिल होने वाला है। हम 56 दुकान पर खड़े हैं, सुबह का नज़ारा है और सुबह से ही इंदौर के स्वाद प्रेमियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन हुआ है और देखिए आप जब यहाँ घूमेंगे तो आपको लगेगा कितनी खूबसूरती से और कितना हाइजीनिक वातावरण है। ये एक और पहचान है इंदौर की, स्वच्छ इंदौर, हरा भरा इंदौर। हाथ खाली हैं तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो जान भी लुटाते जाते। एक खूबसूरत शायरी यकीनन राहत इंदौरी साहब ने अपने खूबसूरत शहर इंदौर ले लिखी होगी। शायराना शहर है इंदौर, रोशनियां दा शहर है इंदौर, रजवाड़ियां दा शहर है इंदौर, ऐना ही नहीं जनाब चटोरियां दा शहर भी है इंदौर। मध्य प्रदेश का सब तो वड्डा शहर है इंदौर और कमर्शियल कैपिटल भी है। इत्थों दे लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बती ने, स्वाद नाल भरिया होया शहर है, रोशनियों नाल भरिया होया शहर है। कुल मिला के तुसी जेकर कदे इंदौर जाते हो तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव लोग तुहानू देखण नू मिलणगे। आओ तुहानू एक खूबसूरत सफर ते लैके चलते हाँ, सवेर दे पोहा जलेबी तो लैके शाम दे सराफे तक दा खूबसूरत सफर। नदियाँ बह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, यादें नहीं जाती, इंसान चले जाते हैं। दोस्तों ज़िंदगी जड़ी है बहुत छोटी है और प्यार करन वास्ते ज़िंदगी बहुत छोटी है। मैनू हैरानी होंदी है कि लोग नफरत करन वास्ते समा जड़ा कितों काढ लैंदे ने। इंदौर फेरी दौरान असी इत्थे फिल्माउण आए सी, 56 दुकान दा एरिया है, यानी कि 56 दुकाना इको ही लाइन दे विच तुसी देख सकते हो। एक फूड स्ट्रीट है जिथे सिर्फ और सिर्फ 56 खाने दीयां दुकाना ने। इंदौर जिवें कि इस इंडिया का फूड सिटी भी कहा जाता है, इत्थे चटोरी गली है, इत्थे सराफा बाज़ार है, इत्थे 56 दुकान है। सराफा बाज़ार की खासियत भी थोड़ा 2 लाइनों के दस देंगे हाँ कि सराफा यानी कि गोल्ड मार्केट जो ही वो शाम को बंद हो जाती है तो उत्थे करीबन 150-200 जी फूड के स्टॉल्स ने वो लग जाते हैं। कमाल की गल यह है कि एड्डी वड्डी फूड लेन के कितने भी गंद नहीं मिलेगा क्योंकि नालों नाल फूड सिटी होने के नाल इंदौर नू द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया भी किया जाता है। और उत्थे हर छोटे तो लैके वड्डा इंसान, इवन सेलिब्रिटी, इवन फिल्म स्टार्स सारे उत्थे आके इंजॉय करते हैं। इंदौर का फूड बहुत ही मसालेदार, ये लोग थोड़ा सा मसाला जड़ा है वो ज़्यादा पसंद करते हैं, तिखा पसंद करते हैं। उसका कारण ये है कि जो खास करके खांडवा का इलाका है उत्थे एक खास किस्म की लाल मिर्च पाई जाती है तो जिहड़ी इस इलाके की स्पेशलिटी है तो मिर्च का प्रयोग इतने बहुत ज़्यादा किया जाता है। तुसी देखो कि लस्सी जिन्हों मठा कहा जाता है उसदे विच भी मिर्चा, और ईवन अगर तुसी पैटी कितने जाके मांग करते हो तो सॉस के उपर भी मिर्चा और बहुत सारे प्याज और इंग्रीडिएंट्स पा के थोड़ा सर्व किए जाते हैं। सो मसाले इंदौर की खासियत ने। इंदौरी आदमी की खासियत ये है, खाना न खाए लेकिन पोहा जलेबी कभी मिस न हो पाए। दिन की शुरुआत इंदौर में, पूरे शहर में आप घूम लीजिए और 56 दुकान की तो बात ही अलग है। पोहा, कचौरी, समोसा और जलेबी यहाँ की खासियत है। अभी हम विजय चाट हाउस पर खड़े हैं, ये देखिए आप यहाँ की प्रिपरेशन, ये इंदौरी पोहा है, एक ज़रा डालिए उसमें दोनों में।
उसमें ऊपर टॉपिंग है खोपरे की, धनिया है, अनारदाना है और जलेबियां भी साथ में तैयार ही है। तो ये पोहे की प्रिपरेशन है। एक आदमी गुरनीत जी 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए में आधा दिन एक प्लेट पोहा खाने के बाद में आराम से निकालता है। इतनी उसमें इट इज फुल ऑफ यू नो नरिशमेंट और कैलोरीज हैं उसमें बढ़िया, और हाइजीनिक तो है ही जिस तरह से बनता है। और बाहर से कोई आदमी आए और इंदौर पोहा नहीं खा के जाए, मतलब उसने इंदौर की यात्रा नहीं। खट्टापन भी होता है। मोहन भाई इसमें क्या, ये खमीर डल के और फिर खमीर से बनती है और केसर के साथ में घी में बनने के बाद में, हाँ एक बता भी इधर ले लें, बता छप्पन दुकान का जो ये एरिया है जिते 56 फूड दियाँ दुकाना ने, 56 फूड दियाँ दुकाना ने, इत्थे असी करन ता फूड व्लॉग आए सी पर सानू एक इस किस्म के खूबसूरत इंसान नाल मिलन का मौका मिलया जिन्हां उत्ते अगर किया जाए तो अपने आप दे विच वखरी स्टोरी बनती है। मेरे नाल मिस्टर मोहन अग्रवाल ने हुणे थोड़ी मुलाकात उन्हां नाल करवांदे हाँ। जिदा ही असी उन्होंने दुकान पर गए तो खूबसूरत फुलों के नाल उन्होंने साडा स्वागत किया और सवेरे सवेरे तुसीं कितें निकलो तो थोड़ा खूबसूरत फुल मिल जाए तो अपने आप दे विच थोड़ा पूरा दिन जिहड़ा खुशगवार हो जाता है। देखिए ये पोस्ट कार्ड है और पिछले 16 वर्षों से मैं इनका उपयोग कर रहा हूँ। मेरी बहू के मदर फादर मतलब मेरे समधी को भी रोज़ एक पत्र लिखता हूँ मैं। मेरी बेटी के यहाँ 15 साल से रोज़ एक पोस्ट कार्ड जाता है और विभिन्न अवसरों पर सुख में दुख में रोज़ मैं 10-15 पोस्ट कार्ड रोज़ लिखता हूँ। तो ये जो अखबारों में, मैगजीन्स में, शादी की पत्रिकाओं में जो चित्र आते हैं मैं उनको सहेज कर रख लेता हूँ और उससे संबंधित फिर 2-2.5 अक्षर प्रेम के लिख कर मैं देता हूँ तो जिसको भी मिलता है वो बड़े खुश होते हैं। वो तो इस तरह से ये सिलसिला निर्वाध चल रहा है। इंदौर के बहुत विख्यात 56 दुकान पर स्थित अग्रवाल स्वीट्स पर खड़ा हूँ। इनके निदेशक श्री मोहन अग्रवाल मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं और अमूमन आपने मिठाई कारोबारियों के बारे में और जो रिटेल आउटलेट पर जो लोग होते हैं उनके बारे में सुना है कि फुर्सत ही कहाँ मिलती है पैसा कमाने से, लेकिन एक ये ऐसा बंदा है जो मेरा दोस्त है, ये बीते 1.5 दशक से यानी 16 वर्षों से अपनी बेटी और अपनी समधन को रोज़ एक ख़त लिख रहा है। उसमें कोई अच्छी सद्भावना, कोई विचार, कोई दोहा, कोई कतात, इन सब का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी बात को कहते हैं। बात ये कहना इसलिए ज़रूरी हो गई है कि आज दुनिया पूरी टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द चल रही है। व्हाट्सएप की बात हो रही है, फेसबुक की बात हो रही है, सोशल नेटवर्किंग की बात हो रही है, और ख़त कौन लिखता है, चिट्ठी कौन लिखता है। मज़े की बात यह है कि सिर्फ चिट्ठी लिखने तक बात रुक नहीं जाती है, इन चित्रों इन चिट्ठियों में जो अच्छे थॉट्स हैं उन सबको कंपाइल करके मोहन भाई ने दो अच्छी बड़ी खूबसूरत सी किताबें भी शाया की हैं, जिसमें एक का नाम है पूजा के फूल और दूसरी है मन के मोती। इन दोनों में ये जो सुविचार हैं इनको कंपाइल करके, और इसके पीछे कोई कमर्शियल, आज दुनिया पूरी हर चीज़ कमर्शियल एक नज़रिए से चल रही है। अपने ग्राहकों को, अपने मिलने जुलने वाले दोस्त अहबाब के साथ में उसको साझा करते हैं। गीता जैसा छोटा एक पब्लिकेशन भी रोज़ अपने कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मिठास के साथ विचारों के मिठास को भी पहुँचाने का काम दुनिया में कोई कर रहा है, ये सुन के बहुत सुकून मिलता है। प्यारे दर्शकों, जदों असी इंदौर दे विच आए, मतलब जदों ही असी MP दी जो सरहद सी, MP दी सरजमीन नूं छोया, सरहद दे विच दाखिल होए, तां 3-4 दिन तो एक शिकायत जरूर सी। मैं चाह नूं लैके बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हाँ, हालांकि पंजाबी चाह नूं बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने तिखी मसालेदार चाह नूं पसंद किया जाता है। MP दी चाह कोई शक नहीं है कि बहुत स्वादिष्ट है, बहुत कड़क होंदी है, पर एक शिकायत ये रही कि बहुत थोड़ी क्वांटिटी दे विच ए लोग देंदे हैं। हुण ए मेरे सामने जो तुसी देख रहे हो ये यावले दी फ्रेंचाइजी दा सिंबल है और मैकडोनल्ड वाले भाई साहब तुसी सारे ने देखे हैं और सारे ने उन्होंने नाल अक्सर फोटोग्राफ्स खिंचवाईया ने, पर यावले वाले भाई साहब नाल अज असीं थोड़ी मुलाकात करवा दिती है। खास गल इस दुकान दी यह है जो पुणे दी फ्रेंचाइजी ने उन्होंने इधर लिया के इत्थे सैटल किया है। बहुत दूरों दूरों लोग इत्थे चाह दा स्वाद माणन वास्ते आउंदे ने और अपने आप दे विच
बड़ी खास गल है कि एक चाह नू लै के ही एक एड्डी वड्डी दुकान जिहड़ी है वह इत्थे स्थापित की गई है। 56 दुकान के नाल ही बिल्कुल ऑपोजिट इस खास दुकान की खासियत यही है कि चाह नू एक डिफरेंट टैंपरेचर पर बॉयल किया जाता है। बहुत ही एक फ्रेंचाइजी जो हुंदी है उन्होंने एक अपनिया रेसिपीज़ होंदिया ने, उन्होंने अपना एक तरीका होंदा है फूड नू बनाउण दा। सो उतों लिया के इत्थे सैटल करना ते इत्थे इंदौर दे विच लोकां नू इस चाह दा एडिक्ट कर देना अपने आप दे विच खास गल है। असीं तुहानू एक केतली दिखाउंदे हाँ जो शुरू तो ही ये दुकान का एक मोटिव रहा है कि हर एक चीज़ बड़ी ही ट्रेडिशनल तरीके दे नाल प्रेजेंट की जाती है। जो पहला दा टाइम सी जदों केतलियां दे विच चाह सर्व की जाती सी वह सारा दिन उहदे विच चाह बना के रखी जाती सी और उही खास तरीके दे नाल ये लोग सर्व करते हैं। जिदा ही तुसीं इन्हां नूं मिलोगे और इन्हां दा वे ऑफ प्रिपरेशन देखोगे यकीनन तुहानू मज़ा जरूर आएगा। हम तो लोकल आईटी हैं इंदौर के, हमने पूना में चाय टेस्ट की एंड हमें लगा कि ये टेस्ट इंदौर में भी आना चाहिए क्योंकि इंदौर में आजकल सिर्फ मशीन की चाय मिल रही है और दूध की चाय, घर जैसी चाय मिलना कहीं भी पॉसिबल नहीं है। तो हम सिर्फ इसी कंसेप्ट को सोच के येवले की चाय को इंदौर में लेके आए। पुणे की फ्रेंचाइजी है, 1983 से स्टार्ट है बट 2017 के बाद इनका बिजनेस एक नेक्स्ट लेवल पर गया। इस फ्रेंचाइजी के 280 प्लस आउटलेट्स हैं पुणे में। जब हमारे पास यहाँ पे लोग आते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जो भी एक बार चाय पी के जा रहा है वो बार बार आ रहा है। एज अ जैसे कि येवले की एक टैगलाइन है, एक बार चाय पी के तो देखिए। दुकान पर व्यंजनों की और डेलिकेसीज की बात होती है, लेकिन जब मिठाई की बात होती है मालवा में, मध्य भारत में और देश में, तो अग्रवाल स्वीट्स का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है। न केवल 56 दुकान पर, लेकिन इंदौर शहर के विजयनगर, इंदौर शहर की सपना संगीता रोड, बड़ा सराफा, गुमाश्ता नगर और अब स्कीम 140 में भी अग्रवाल स्वीट्स के बहुत खूबसूरत और बड़े बड़े आउटलेट्स हैं। दो चीज़ें अग्रवाल स्वीट्स की बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आप खा रहे हैं, जो आपको दिख रहा है वाकई वही आप खा रहे हैं, यानी बहुत हाइजीनिक हाई क्वालिटी स्वीट्स आपको मिलेंगी। प्रिसिशन है स्वीट्स में, प्रिसाइसली जैसी एक स्वाद आपको सोहन पापड़ी का 6 महीने पहले आपने अगर वो खाई होगी, उसको चखा होगा, तो वही का वही स्वाद आपको मिलेगा। बहुत हाइजीन, बहुत शुद्धता, पवित्रता और ग्राहक व्यवहार के साथ में अग्रवाल स्वीट्स पिछले आधी सदी से, 50 दशक से ये पूरा मिठाइयों का कारोबारी परिवार है और इस काम में संलग्न है। चर्चा इसका पूरी दुनिया में है। यहाँ से निकलकर किसी ज़माने में व्हाइट हाउस तक सोहन पापड़ी, जॉर्ज बुश तक पहुँची है। ये इसका करिश्मा है और यही इसकी मिठास है। स्वच्छ इंदौर की जब बात होती है तो स्वच्छ अपने आप नहीं हो जाता है, इसके लिए इंदौर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उनकी पूरी टीम और जिस तरह से मोटिवेट करके उन्होंने जन भागीदारी के साथ में इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाया है, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह कि अब इंदौर का आम नागरिक जो है वो भी सफाई के लिए आगे उत्सुक होता है, वो मोटिवेट हो गया है। वो किसी भी जगह पर आपको कचरा फेंकता हुआ नहीं दिखेगा, थूकते हुए आपको पब्लिक नज़र नहीं आएगी, कहीं कचरा पड़ा होगा या कुछ खाया होगा तो ज़रूर डस्टबिन की तलाश करता है। दूसरे शहरों में जाइए और कोई डस्टबिन में कचरा फेंकता हुआ आपको नज़र आए, एक बार पूछिएगा कहीं उसका ताल्लुक इंदौर से तो नहीं है। कोपरा पेटीज है, इसमें ऊपर आलू का कवर है और अंदर नारियल का मसाला है। नारियल में सूखा नारियल और गीला नारियल दोनों है। इसमें शक्कर, नमक, गरम मसाला, तरबूज मगज, तिल्ली सब अपने स्वाद अनुसार डालिए और इनको सबको मिक्स करके इसका एक पूरा गोला बनता है, सूखा गीला मसाला बन जाएगा। उसके ऊपर जो कवर है जो पूरा, वो पूरा आलू का है।
प्योर आलू का है, उसमें थोड़ा सा नमक डालकर उसे मैश करके आपके पेटिस प्रिपेयर कर सकते हैं। पोहा जो है, पोहा जो अपन सूखा जो भी लेते हैं, वो पोहा आपको गलाना है, कम से कम 15 से 20 मिनट से गलाना है। उसके बाद में उसमें आपको बघार में आपको जो भी डालना, उसमें मिर्ची आप डालिए, उसमें तेज, लविंग, काली मिर्च, अपना दालचीनी, ये सारी आइटम डालकर उसमें आप बघार करिए। उसके बाद में उसको गर्म होने दीजिए, पोहे को नीचे पानी रखकर ऊपर परात में जमा कर उसको गर्म होने दीजिए, उसके बाद में प्रिपेयर करिए, उसके बाद में सर्व करिए। एक तो ये सर जो आलू की टिक्की है ये बन में लगाते हैं, इसका नाम रखा हमने वेज हॉट डॉग। दूसरा बनाते हैं हम एक आमलेट वाला बनाते हैं तो बन में लगा देते हैं, उसका नाम रखा एक बेंजो। ये हमारा एक बेंजो आमलेट विथ ब्रेड, वो पुरस्कार इसलिए था सबके सबसे मतलब बहुत फास्ट डिलीवरी जो है, मैंने 1,00,000 डिलीवरी सबसे पहले एशिया में मैंने दी थी उनको, इसलिए मिला था मेरे को। हाँ मेरे को तो पता नहीं था अवार्ड मिलेगा, ये वो तो मैं जान ही दिया था, लेकिन फिर सब उन लोगों ने प्रेशर बनाया कि नहीं आना है आना, तो फिर गया तो वहाँ पर मेरे को अवार्ड मिला। ये इंदौर है साहब, यहाँ की तो हवा में ही स्वाद है। शाम होते ही तमाम शहर जगमगाता है, जैसे हर एक शख्स जुगनू सितारा नजर आता है। सराफा इंदौर दी शान है, इंदौर दा हर एक बशंदा जिवें सराफा दा दीवाना है, इन्ना ही नहीं सैलानिया प्रति भी यह बहुत खिच दा कारण है। कमाल दी गल ए है कि पूरा दिन जदों ए बाजार जड़ा है ओ सोने ते चांदी दे जेवरां दे नाल सजया होंदा है, 8 बजे जदों गोल्ड मार्केट बंद हो जाती है तो यह तब्दील हो जाता है एक फूड मार्केट दे विच। जी हाँ, तुसीं सही सुनिया, ये पूरी स्ट्रीट जिसनों सराफा स्ट्रीट कहिंदे ने, ये 8 बजे तो लैके रात के 2 बजे तक इत्थे 150-200 खाने के स्टॉल्स लग जाते हैं, और इत्थे इन्नी ज़्यादा भीड़ होंदी है कि तिल सुट्टण नूं भी जगह नहीं होंदी। और कमाल की गल यह है कि जदों ही 2 बजे फूड मार्केट बंद होंदी है, फूड स्ट्रीट क्लोज होंदी है, तो इत्थे म्यूनिसिपल वाले के तमाम सराफा की सफाई करते हैं। यही तो कारण है कि इंदौर 5वीं वार क्लीनेस्ट सिटी का खिताब जीत चुका है। ये दुकान है जनाब, इत्थे करीबन 8-9 प्रकार का ड्रिंक्स जड़िया ने मिलती हैं, लेमन सोडा, जलजीरा, काला खट्टा, कोला, अलग अलग किस्म के फ्लेवर इन्होंने बनाए हुए हैं, और बहुत साल पुरानी दुकान है। देखो बर्फ़ नू किस तरह क्रश करके इविच यूज़ करते हैं, करीबन 20 साल तो ये इत्थे काम कर रहे ने। सराफा बाज़ार यहाँ का अराउंड 75 ईयर्स से है, जो कि पहले छोटा सराफा था, बड़ा सराफा में बड़ा सराफा भी है, और दिन में यहाँ पे 12 o'clock बजे सराफा स्टार्ट होता है। यहाँ पे सराफा बाज़ार हो जाता है 12 बजे से स्टार्ट होता है, तो रात की 8 बजे तक चलता है, 8:30 बजे तक। उसके बाद शॉप्स जैसे ही क्लोज होती है तो यहाँ की चौपाटी स्टार्ट हो जाती है, खाने पीने की डिशेस, जो वैरायटी ऑफ डिशेस है वो स्टार्ट हो जाती है। मालवा की जो स्पेशलिटी है, 10-12 चीज़ें हैं वैरायटी, जलेबी है बड़ी, और भुट्टे का किस है, और यहाँ का दही बड़ा फेमस है, और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, पंजाबी फूड है,
और इंडियन फूड साउथ इंडियन है, और मालवा की यहाँ पे दाल बाटी भी स्टार्ट हो जाती है रात में, तो ये सब हो जाता है यहाँ पे इंदौर में। और राजबाड़ा मेनली सराफे में सिचुएट, राजबाड़ा में सिचुएटेड है ये सराफा, वो सब यहाँ पे होता है, और ये इंडिया में क्या वर्ल्ड वाइड फेमस है सराफा। मेरे यहाँ रणवीर ब्रा, संजीव कपूर, कुलदीप यादव एंड अनगिनत लोग आ चुके हैं, कई सेलिब्रिटी आए, और सबसे ज़्यादा यही है मेरे यहाँ कि पानी पता से ही, और वो भी अलग अलग टेस्ट में पकड़ना पसंद करते हैं, क्योंकि मुझे खुद का अलग अलग खाने की शौक है। लहसुन का पानी, लहसुन की अलग चटनी बनती है, उसके बाद पानी बनता है इसका। मेरा रबड़ी मालपुआ स्पेशल है, बढ़िया। शाही टुकड़ा भी बोलते हैं इसे रबड़ी मालपुआ, ये रबड़ी और दूध का बनता है, रबड़ी मावा दूध, इस तीनों को घोट के अब बनाते हैं। हमारी शॉप यहाँ पे 20 साल से है, और हम लोग पिज्ज़ा शुरुआत ही हमने करी इंदौर से, यहाँ पे सराफे में पिज्ज़ा नहीं थी पहले, और शुरुआत हमारे से होने के बाद में यहाँ पे पिज्ज़ा की दुकानें भी हो गई है, और ये सराफा लगभग दो ढाई साल पुराना। उल्टा पिज्ज़ा में ऐसा है कि उसको हम बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं, सब बेकरी का, हमारी बेकरी का ही सब सामान है, और पिज़्ज़ा बेस भी हमारे यहाँ का बना हुआ है, और उसको हम कट करके ने फोल्ड करते हैं, और सबसे अच्छा बेहतरीन पिज़्ज़ा हमारे यहाँ का। अब है ना थोड़ा सा कैमरा नज़दीक लाओ, मसाला डाल दो हल्का सा, ये नमक, ये लाल मिर्च, ये काली मिर्च, ये जीरा, ये अजवाइन। और सेकंड बहुत ओपन है।